तो यार आज मैं आपके लिए ओशन ऑडियो का एक ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कैसे उसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक कर देना और गूगल क्रोम से ही क्लिक करना है। गूगल सर्च इंजन होना चाहिए, जो भी ब्राउजर आप यूज करें लेकिन गूगल सर्च इंजन होना चाहिए। और अपना मनचाहा सिस्टम सेलेक्ट करना और डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेने के बाद इसे मैं इंस्टॉल करके ही बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल भी दूंगा, एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा आपको पूरा डीपली। तो कैसे उसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले इंस्टॉल करने पे डबल क्लिक करने पे आपके सामने व्हाइट स्क्रीन आ जाएगी, यस और नो का बटन आएगा, यस कर दीजिएगा। और उसके बाद लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इनका एक एग्रीमेंट आएगा, उस एग्रीमेंट को पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वार्निंग्स भी हैं, कई सारी चीजें हैं इसमें, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक चीज आएगी कि आप यूज करना चाहते हैं या पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है वो कर लीजिए, या आप सिर्फ आप यूज कर पाए वो कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड्स में बनेगा इसका फोल्डर कहाँ बनेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कितना साइज है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है वो भी साइड में लिखी हुई आ जाएंगी। और फटाफट से ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा, इसका एक लोगो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा, उस आइकन को आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, इसमें आप ऑडियो एडिटिंग कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे जो ड्रॉप फाइल शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप जब आप डबल क्लिक करेंगे, तो उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा एक क्वालिटी ओपन हो जाएगी कि ऑडियो किस टाइप का होना चाहिए, आपको मोनो होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, 32 बिट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वह आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा आपको ऑडियो चाहिए, जितनी हाई क्वालिटी का चाहिए, कितने हर्ट्ज का चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, यहाँ आपको ऊपर फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद यहाँ आपको ओपन पर जाना है, या आप कंट्रोल प्लस ओ भी दबा सकते हैं, और जो भी आपको सॉन्ग एडिट करना है वो आप एडिट कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ सारे कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं, लेकिन मेरे पास एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पड़ा है जो मैं अपनी कई बार पुरानी वीडियोस में लगाया करता था, तो मैं उसे एडिट करके बता देता हूँ। तो ये है वो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, मैंने इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। साथ ही में आप इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि कैसा दिख रहा है ये, कितने हमारे ऑडियो क्वालिटी है। साइड में आप कर सकते हैं अपनी, हो सकता है आपने जब डाउनलोड किया हो तो आपका जो ये ऑडियो मीटर है वो साइड में ना आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, लेकिन मैंने साइड में उसे उठा के करा है तो इसलिए मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, आपका सेम ही आएगा। तो ये ऑडियो एडिटर जो मैं जिसका ट्यूटोरियल आज आपको दे रहा हूँ, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है उसके बारे में, तो ज़्यादा जानकारी उसके बारे में अवेलेबल नहीं है लोगों को। तो यहाँ देख लीजिए, आपको ट्यून सुनाई नहीं दे रही होगी, मैंने ट्यून कट कर रखी है, पर पूरा आपको दिख रहा होगा कैसे ये वर्क कर रहा है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए मैंने ट्यून यहाँ की कट कर रखी है। आपको एक सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आप एडिट करना चाहते हैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है आपको। फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, ऊपर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, यहाँ साइड में ऑडियो मीटर है, कितने हर्ट कितने ऊपर जा रहा है ऑडियो, कितने नीचे जा रहा है, वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। कट ट्रिम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, और आइकन पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। आइकन देख लीजिए मेरा कहाँ आइकन जा रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेलेक्टेड एरिया को सेलेक्ट करा है, एक सेलेक्टेड ट्रैक को सेलेक्ट करा है, यहाँ देख लीजिए एक मेन सेलेक्ट, ये जो ब्लू ब्लू आपके सामने आ रहा है वो सेलेक्टेड है, और जो बाकी ये पिंकिश आ रहा है वो अनसेलेक्टेड है, मतलब वो म्यूजिक आपको सुनाई नहीं देगा। किसी एक ट्रैक पे आपको फोकस करना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और एक बार आप कर्सर के आइकन पे फोकस कीजिए, देख लीजिए आई शेप का है, अब टी शेप का हो गया, अभी आई शेप का है और टी शेप का हो गया। टी शेप का कर्सर सिर्फ एक सेलेक्टेड ट्रैक को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, और आई शेप का पूरे एक रॉ को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कर्सर किस टाइप का होता है। इसमें आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया। आप इसे नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मलाइज होता है ऑडियो के अनुसार, पीछे वाले आगे वाले के अनुसार नॉर्मलाइज हो जाता है, वैसे आप कर सकते हैं। और साथ ही फैड इन फैड आउट इफेक्ट भी लगा सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो में। यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ एक हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, कितना होना चाहिए, कितना हाई स्पीड होना, कितना ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, कितना नीचे वॉल्यूम होता है, वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ आपको को ये सब सेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना होता है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो है वो सेट हो जाएगा, पूरा ऑडियो वैसा बन जाएगा। कैंसल मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ आपको फैड इन फैड आउट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, मैंने फैड इन फैड आउट इफेक्ट लगाया है, देख लीजिए कैसा ऑडियो बन गया है हमारा फैड इन फैड आउट में, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि फैड ऑन फैड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा। आप इसे नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं अगर आपको, और चेंजेस अंडू रीडू भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पसंद ना आया तो, एक एक स्टेप आप पीछे चले जाइएगा। अगर आपको कोई चीज़ ट्रिम करनी है तो आप स्पेसिफिक एक पार्ट को भी ट्रिम कर सकते हैं, इसमें आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसमें मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आप कट कर सकते हैं या फिर उस पार्ट के अंदर तक जा सकते हैं, मतलब आपको एक स्पेसिफिक पार्ट ट्रिम करना है
उसके अंदर का भी एक पार्ट ट्रिम करना है, उसके अंदर का भी आप बहुत डीपली इसमें जाके ट्रिम कर सकते हैं उस पार्ट को, एक मिनी ट्यून को भी आप ट्रिम कर सकते हैं इसमें, और कट कर सकते हैं उसको, चाहे आप डिलीट कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने बहुत ही अंदर मैं चला गया हूँ, यहाँ तक देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा मैंने डीपली ओपन कर लिया है। तो यहाँ देख लीजिए आपको ऑडियो की वेव्स कैसी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, कट ट्रिम कर सकते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको चेंजेस पसंद नहीं आ रहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, साथ ही उसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सारे चेंजेस को वापस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें। साथ ही आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको बहुत सारे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाते हैं, और इसका हेल्प सेंटर के बारे में मैं बताऊंगा। ऊपर जो ये आपको दिख रहा है वो आपको टाइम दिख रहा है, टाइम कितना चल रहा है, कितने सेकंड्स पे आपने अभी रोक रखा है ऑडियो को, वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एडिट में भी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, इफेक्ट्स में भी देख लीजिए आपको बहुत सारे ऑप्शन जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही में पिच का और टाइम का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ अगर आप पिच और टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके ऑडियो का बिल्कुल वॉइस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है स्पीड के अनुसार। जैसे मैं कई बार अपनी वीडियो ऑडियो में वॉइस को चेंज कर लेता हूँ अपनी, बहुत हैवी कर लेता हूँ या बच्चों वाली कर लेता हूँ, तो वो आप इसमें भी कर सकते हैं। उसमें स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी, की इधर इतनी स्पीड रहेगी, इस साइड में जाते हैं इतनी स्पीड हो जाएगी, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही एक वीडियो के पार्ट को आप कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। जनरेट पे जब आप जाएंगे, जनरेट पे आपको नॉइस जनरेट करना है, वो भी आप नॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे रेडियो कभी कभी आप सुनते होंगे तो कभी नॉइस सी आ जाती है उसमें, तो वो नॉइस भी आप खुद जनरेट कर सकते हैं। साथ ही में आप टोन भी जनरेट कर सकते हैं, साउंड भी जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप जनरेट कर सकते हैं। एक साउंड आती है कई बार पीप की, ऐसे भी ऐसे साउंड आती है, वो आप भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो वो आप जनरेट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको टोन्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आप इसे हाई लो करके कि इंड में कितना होना चाहिए, ऊपर कितना होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आप मेंटेन करके यहाँ ओके कर दीजिएगा, तो ऐसी साउंड आपके सामने अपीयर होगी। और ये बिल्कुल ही मैंने कट कर रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्या क्या इसमें हो रहा है। इसके हेल्प में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, हेल्प में जाके आप इस पे डोनेट कर सकते हैं चाहे तो आप अपनी मर्जी से, और साथ ही अगर आपका फाइल जो है वो क्रैश हो जाती है तो उसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा सॉफ्टवेयर उड़ गया है, ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, तो वो उसे जल्दी से ठीक कर पाएंगे। तो इस ऑडियो एडिटर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे आपके बारे में आपको इसके बारे में बता दिया। आप चाहें तो इसे सेव करना चाहें तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ये फाइल सेव होने लग जाएगी, लेकिन मुझे सेव नहीं करना, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा किस टाइप का ये ऑडियो एडिटर है, क्या क्या हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उतना हाई लेवल का तो नहीं है पर फिर भी इसे नॉर्मल एडिटिंग हो जाती है, और ये बिल्कुल ही फ्री है, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात, मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल ऑप्शंस के बारे में बताया कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे कि किस ऑप्शन का क्या रोल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा इसमें एडिट करके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो इस मैसेज को इग्नोर करें, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बात बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।